डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। उस त्रिकोणमिति चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं NCERT बुक से, एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर को कम्प्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.3 है, इसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे या फिर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में पहला का जो चार क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको दिखाइए कि का मतलब क्या हुआ कि हमको प्रूफ करना है कि LHS से चलते चलते कितना लाना है, 1 लाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है कि tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री का वैल्यू 1। यही ना हमें दिखाना है। सवाल जैसे आप पढ़ते होंगे ना पहले कि सिद्ध कीजिए कि, तो वहां लिख देते हैं हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। अब हमें दूसरा में सवाल बोल रहा है कि दिखाइए, यानी दिखाइए का मतलब क्या, आपको दिखाना है कि इतना का मान कैसे 1 आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ LHS से चलिए। LHS अब किसको कहते हैं, तो बराबर जहाँ होता है ना, तो बराबर के बाएं तरफ वाला पूरा को बोलते हैं LHS, और बाएं तरफ वाला का जो दाएं तरफ, सॉरी बराबर के जो दाएं तरफ होता है, इसको हम लोग कहते हैं RHS। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमको दिखाना है इतना बराबर 1। तो अगर हम LHS से चलेंगे और LHS से चलते चलते अगर 1 आ गया, तो हम लोग नहीं बोल देंगे कि प्रूव हो गया या सिद्ध हो गया या हम लोगों ने दिखा दिया, नहीं। तो चलिए, LHS में क्या है, तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, LHS तो इतना है। अब हम इसको एक और फार्मूला पढ़े थे दोस्तों, कि tan थीटा को अगर cot थीटा से अगर गुना करते हैं तो पता है ना कितना आता है, 1 आता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, वहां पे एक शर्त था कि दोनों जो है बराबर होना चाहिए। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, जैसे tan 50 गुने cot 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यानी कि एगो टैन में रहना चाहिए, एगो कॉट में रहना चाहिए, दोनों के बीच में गुना होना चाहिए और कोण जो है दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। जैसे टेन 23 और कोट 23 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो करना क्या है दोस्तों, हम ऐसा करते हैं, इस टेन 48 को किस में बदल सकते हैं हम लोग, आप बताइए अच्छे से, इस टेन 48 को आप किस में बदल सकते हैं। तो tan का उल्टा होता है cot, नहीं कल पढ़े थे ना हम लोग पिछले क्लास में कि tan का उल्टा cot, जब इसका उल्टा लिखेंगे तो किसका किसका उल्टा होता है, देख लो, पूरक कोण वाले में sin का उल्टा cos होता है, sec का उल्टा cosec होता है और tan का उल्टा cot होता है। तो tan को हम लोग cot चेंज कर दिए, ये 48 को लिखेंगे 90 - 48। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू, फिर tan 23 है, तो अब इसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो tan का उल्टा cot, जब उसका उल्टा कर दिए तो उल्टा करने के बाद जो यहाँ पे एंगल होता है, कोण होता है, उसको 90 में से घटा लेते हैं, तो 90 - 23, बाकी जो इधर है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, अब आप बताइए, cot 90 में से 48 घटेगा, तो 90 में से 48 घटाइए तो कितना बचेगा, तो 90 में से जब आप 48 घटाइएगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं cot 42, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को cot
बयालीस डिग्री इनटू, फिर से देखिए तो कोट 90 माइनस 23 है, तो 90 में से 23 घटाइएगा तो कितना लिखेंगे 67, तो यहाँ हो जाएगा कोट 67, यहाँ हो जाएगा कोट 67, फिर इनटू, और बाकी इनटू का तो वैसे ही का वैसे ना छोड़ दिए हैं, ये दोनों को तो चेंज हम नहीं किए हैं, तो टेन बयालीस और टेन 67 वैसा का वैसा ही रहेगा, तो यहाँ लिख दीजिए टेन बयालीस इंटू टेन 67, ठीक है। और दोस्तों हम लोग सीखे हैं ना मैथ में एक रूल होता है कि गुना में हम कैसे भी, जैसे मान लिया कि एक चीज आपको समझाते हैं, कोई बोलेगा कि 2×4×5×6 को गुना कीजिए, तो आप कितना बोलेंगे, इसको गुना करके कितना लगेगा, तो 5×5 20 दूनी 40 और 40×6 240, यही ना कीजिएगा। लेकिन कोई वाला गुना के उल्टी पुल्टी गुना कर दिए, जैसे कि पहले सवाल में दिया 2 तो हम 5×4×2×6 करेंगे तो कितना आएगा, 240 से ना आएगा भाई, तो हम गुना को इधर उधर करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मैथ में, यानी जो गुना होता है मैथमेटिक्स में उसको हम लोग इधर उधर जो है कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई टेन बयालीस है तो हम टेन बयालीस को पहले लिखें इनटू, इसके गुना में तो हम कहूँ कहूँ लिख सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार कोट बयालीस और टेन बयालीस को एक जगह कर दिए, फिर इनटू टेन 67, देख लो भाई ई वाला के यहाँ ला दिए, फिर इनटू कोट 67। इसको लाने का फायदा है कि टेन और कोट एक साथ है, दोनों गुना में है, थीटा थीटा दोनों में सेम है, तो टेन थीटा और कोट थीटा यानी कि 42 42 एगो टेन में एगो कोट में, तो इसका वैल्यू एक। और यहाँ पे भी देखिए एगो टेन में है एगो कोट में है और दोनों के बीच में गुना है, अभी 67 तो यो 67 तो इसका भी वैल्यू एक। पढ़े ना है हम लोग फार्मूला दोस्तों इधर कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू एक होता है, याद रखिएगा थीटा और थीटा दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 42 और 42 है तो इसका वैल्यू एक, 67 और 67 है तो एक, तो एक और एक में गुना करेंगे तो एक, और ये आ गया देख लो RHS। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, दिखा दिए हम लोग, ठीक है दोस्तों। वैसे ही अब अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है, अब दूसरा का ही दूसरा क्वेश्चन है, हमें क्या दिखाना है जरा देख लीजिए, हमको दिखाना है कोस 38 इंटू कोस 52, ठीक है कोस 38 गुना क्या कोस 52 और माइनस साइन 38 और साइन 52। तो इसमें क्या कीजिएगा ना, हम आपको हिंट्स कर दे रहे हैं किसको किसको आप खाली बदल दीजिएगा, तो इसमें जो है कोस 38 को आप बदलिएगा, किसको बदलिएगा, इसमें कोस 38 को बदलिएगा, ठीक है तो कोस 38 को जो बदलिएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन 52, ठीक है इसको आ जाएगा साइन 52, और ई वाला में साइन 38 को यानी कि इसका भी शुरू वाला के बदलिएगा और इसको भी जो है शुरू वाला के बदल दीजिएगा, समझ में आया, यानी कि कोस 38 को बदलिएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन 52, और ये कोस 52 को कोई बदलना उदलना नहीं है, हम आपको बता दें आप LHS से चलिएगा, ठीक है दूसरा सवाल में कोस 38 को बदलिएगा तो कोस का उल्टा हो जाएगा साइन और 90 में से 38 घटेगा तो 52 बचेगा, यानी कि कोस 38 को आप बदल दीजिएगा और गुना में कोस 52 का कोस 52 ही रहेगा, ठीक है और माइनस का तो माइनस रहेगा, साइन 38 को जो है आप चेंज कर दीजिएगा, यानी कि एकरो में जो गुना है इसमें पहला वाला का चेंज कर देना है, एकरो में जो बाद में माइनस के बाद है साइन 38 साइन 52 तो एकरा में साइन 38 को चेंज कर देना है, ठीक है तो आपको ऑटोमेटिक कट के जीरो आ जाएगा, तो इसको जो है आप बना लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा तीसरा जो क्वेश्चन हम बताएंगे ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके हमें जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं, हम ये बता दिए दूसरा का दूसरा में कि किसको किसको चेंज करना है, जहां पे टेन का साइन लगा हुआ है ना उसी को चेंज करना है, कोस 38 को चेंज कर लीजिएगा तो साइन 52 आ जाएगा और यहाँ पे साइन 38 को चेंज कर लीजिएगा और फिर घटा लीजिएगा
तो अपने आप जीरो आ जाएगा घट के, ठीक है, वो कितना आ जाएगा जीरो। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, जरा अच्छे से समझिएगा क्योंकि तीसरा क्वेश्चन हम आपको जैसे बताएंगे वैसे ही आपको पांचवा क्वेश्चन भी बताना है, बनाना है, ठीक है। यानी कि सिर्फ अंतर टू ए है तो यहाँ फोर ए है, यहाँ ए माइनस 18 है तो ए माइनस 20 है, टू ए एक नून न्यून कोण है तो यहाँ फोर एक न्यून कोण है, तो ए का मान बताना है। यानी कि जैसे तीसरा बताएंगे वैसे ही पांचवा भी आपको बनाना है, समझ में आ रहा है। तो अब करना क्या है आपको कि जैसे तीसरा बनेगा वैसे ही पांचवा बनेगा। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन को बनाने वाले हैं और अच्छा से देखिएगा इसमें तीसरा और पांचवा में क्या अंतर है। तो जहां टू ए है यहां फोर ए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां हम टू ए रखेंगे या लिखेंगे आप वहां फोर ए लिखिएगा। तो तीसरा और पांचवा दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टेन टू ए, टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है। ये हम लोगों को सवाल दिया हुआ है, यही हम लोगों का मेन सवाल है, ठीक है, यही हम लोगों का मेन सवाल है। जब ये मेन सवाल है तो इसी से हम लोग चल के ए का मान निकालना है। तो करेंगे क्या, सिंपल टेन को बदलिए कोट में, तो टेन को जैसे ही कोट में बदलेंगे तो क्या होगा, टेन से जैसे ही कोट में बदलेंगे तो हम लोग करेंगे क्या उसको, तो टेन को टू ए है तो टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, ठीक है, और इसको टू ए को बदल देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस टू ए, ठीक है। यहाँ टू ए को बदल देंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस टू ए, और इसको वैसा का वैसा ही रखिए कोट ए माइनस 18, इस सवाल में दिया था तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ये टेन है तो टेन को किस में बदल दिए, कोट में, ठीक है, तो टेन का उल्टा हो गया कोट, और ये टू ए जो कोण है वो 90 डिग्री में से टू ए घट गया, और फिर इसको घटा लिए तो दोनों के आगे कोट है और कोट है, तो कोट और कोट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस टू ए बराबर ए माइनस में 18, ठीक है। अब करिएगा क्या कि ए और ए को एक तरफ रखिए, तो ये माइनस में टू ए है, इधर तो माइनस टू ए है, और ई ए प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में ए, और इधर बाद बाकी अगर देखेंगे तो ये भी माइनस 18 है, ये कुलची है माइनस 18, और ई जो है प्लस 90 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 90 होगा। चलिए तो ए और माइनस टू ए दोनों माइनस में है तो जुड़ के कितना हो गया माइनस 3 ए बराबर ये हो जाएगा माइनस 108, तो दोनों तरफ माइनस रहता है तो माइनस और माइनस कट गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 108 में 3 से भाग कर देना है तो कितना होगा 3×3=9, 36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। उसी तरीके से जैसे हम तीसरा में आंसर लाए हैं, आप क्या कीजिएगा इस सेक को कोसेक में चेंज कर लीजिएगा, तो कोसेक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a, यहाँ 4a है तो 4a, और कोसेक कोसेक काट के और a का मान निकाल देना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो तीसरा जैसे बनाए हैं वैसे आपको पांचवा बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग चौथा को। चौथा में क्या है, चौथा में है हमें दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा चौथा वाले सवाल में कि दिया है, क्या दिया है भाई, तो tan a जो है वो cot b के बराबर है। tan किसके बराबर है, तो cot b के बराबर है, और यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि a ऑफ b का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस b का वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेन ए बराबर कॉट बी, यहाँ पे लिखेगा चूंकि चूंकि टेन ए का वैल्यू जो है वो कॉट बी के बराबर है, टेन ए का वैल्यू किसके बराबर है, कॉट बी के बराबर है, तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि ए और बी का जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप बताइए कि टेन का उल्टा क्या होता है, हमको तो सिद्ध करना ना है, तो टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट, टेन का उल्टा कॉट हो गया। और यहाँ ए है तो यहाँ 90 डिग्री माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, समझो कि टेन ए है तो टेन ए को बदल देंगे तो टेन का उल्टा कॉट, और ई ए है तो 90 माइनस ए, और इसको नहीं बदलेंगे हम लोग वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे तो कॉट भी, और इसके पहले वाला कॉट है इसके पहले वाला कॉट कट गया तो यहाँ क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस ए बराबर में कौन सी बी, तो ये 90 डिग्री का 90 डिग्री छोड़ देंगे, ये माइनस में है उधर जाएगा तो कुछ ही होगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से पता नहीं चला, अतः ये बी प्लस ए को ए प्लस बी भी तो लिख सकते ना है, बी प्लस ए लिखिए चाहे ए प्लस बी लिखिए बात तो बराबर है, और बराबर में कौन सी 90 डिग्री, तो ये हम लोगों को प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा था कि इतना इतना के बराबर है, आप सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का जो मान होता है वो होता है कितना 90 डिग्री, तो हम लोग सिद्ध कर लिए। तो अब आप हम लोगों को लास्ट एक क्वेश्चन बच रहा है, वो क्वेश्चन कितना है, वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। तो ये दो जो क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको समझने वाला चीज है, नहीं तो छठा को हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, आप सातवां समझ जाइए। क्या करना है, सिंपल क्या करना है ना कि इधर सवाल नहीं देखिए, यहाँ साइन 67 है, क्या है साइन 67, यहाँ क्या है कोस 75, तो इसको खाली चेंज कर देना है, प्लस का प्लस ही छोड़ दीजिएगा, साइन 67 को चेंज कर लीजिएगा, तो इस साइन 67 को जब चेंज कीजिएगा तो साइन का उल्टा हो जाता है कोस, और इस 90 में से 67 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23, तो इसका हो जाएगा कोस 23 प्लस कोस 75 है, तो कोस 75 को जब आप चेंज कीजिएगा तो कोस का उल्टा हो उल्टा साइन, और 90 में से 75 घटेगा तो कितना 15 डिग्री, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, क्यों, क्योंकि ई वाला के चेंज कर देना है और प्लस का प्लस छोड़ देना है, और दोनों को मैंने चेंज कर देना है, तो सातवां क्वेश्चन भी आपको बना लेना है, बाकी का छठा क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो करना क्या है आपको कि सातवां क्वेश्चन में इसको और इसको खाली चेंज कर देना है, और प्लस का प्लस ही रहने दीजिएगा, वही हम लोगों को आंसर हो जाएगा, इधर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यही मेरा मेन सवाल है, इतना साइन 67 प्लस कोस 75, और साइन 67 को आप चेंज कर लीजिएगा, प्लस का प्लस छोड़ दीजिएगा, कोस 75 को चेंज कर लीजिएगा, तो दोनों को चेंज कर देना है, बस वही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। दोस्तों छठा सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इस छठे क्वेश्चन को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप जितना भी क्वेश्चन आज दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।